अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन आवर टुडे रेसिपी इज़ गुलाब जामुन वेरी डिलीशियस सॉफ्ट एंड मोइस्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे जी आज हम ये बनाएंगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमा रहीम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें जी हमने ले लिया है लिक्विड मिल्क हाफ कप घी ले लिया है हाफ़ कप और ड्राई मिल्क लिया है टू कप्स सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे अभी हमने स्टोव नहीं ऑन करना है इसमें मिल्क डाल लिया है हमने आधा कप लिक्विड मिल्क लिया है फुल फैट और ये घी ले लिया है मेल्टेड मैंने हाफ कप ये देखिए मैंने अभी स्टोव को ऑन नहीं किया है इसको अभी हम मिक्स करेंगे क्योंकि अगर हम गैस को ऑन कर देंगे तो हीट से इसमें लम्पस बन जाएंगे पहले इसको मिक्स करेंगे अब हमने ड्राई मिल्क टू कप्स ऐड कर लिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बैटर सा बना लेंगे और अब हम इस स्टोव को ऑन करके इसका एक खोया नुमा बना लेंगे लाइक दिस देखें इसको साथ साथ स्पैचुला से मैं मैश करती जा रही हूँ ताकि कोई लम्स ना बने और ना ही ये नीचे स्टिक हो आप हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि कढ़ाई जो भी लें वो ज़रा भारी पैंदे वाली हो ताकि आपका जो खोया है वो नीचे ना लगे इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे बिल्कुल मिठाई वाले की तरह हलवाई वालों की तरह ऐसे आपने इसका खोया बना लेना जब इसका मोइस्ट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इट्स मीन कि आपका खोया बन चुका है ये चेक करते हैं हम इट्स वेरी हॉट देखिए अभी स्टिक हो रहा है हल्का हल्का इट्स मीन कि अभी इसमें थोड़ा सा मोइस्टर है इसको हम अभी और कुक करेंगे देखिए मैंने कहीं से भी जले नहीं दिया है कंटिन्यूसली स्टेरिंग कर रही हूँ मैं ताकि जो है वो खोया नीचे से ना जले अब ये देखें ये अब आप चेक करें अगर ये जले आपके साथ फिंगर के साथ स्टिक नहीं होगा इट्स मीन कि आपका खोया परफेक्टली बन चुका है इसको अब हम डिश आउट करते हैं थोड़ा सा ठंडा होने देंगे डिश आउट एंड लेट इट कूल फॉर सम टाइम इतना ठंडा हो कि आपका हैंड टच हो सके बस ज़्यादा ठंडा नहीं करना आपने इसको हम साइड पे रख देंगे और उतनी देर हम इसका शुगर सिरप बना लेंगे जिसमें हमने गुलाब जामन को डिप करना है चलिए जी बसम हमने इसके लिए ले ली हैं जी टू कप्स शुगर के दो कप चीनी ले ली है हमने नॉर्मल चाय वाला कप है और इतने ही कप हमने पानी की लेनी है इतने ही मेजरमेंट के साथ हमने पानी ले लेना है टू कप्स वाटर इसकी शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है इसमें हमने छोटी इलायची डाली है और थोड़ा सा ज़रान डालेंगे और हम लेमन ड्रॉप्स डालेंगे एड फ्रू ड्रॉप ऑफ़ लेम नाव इसको हमने साइड पर कुक होने के लिए रख दिया है तब तक हम अपने ये बॉल्स बना लेते हैं गुलाब जामुन के इसमें हमने थ्री स्पून जो है मैदे के ऐड करने हैं और वन टी स्पून के बराबर जो है वन टी स्पून से थोड़ा सा कम आप लेंगे जी ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून के बराबर आप ले लेंगे बेकिंग पाउडर उसमें हमने मिक्स कर दिया इसको और इसकी अच्छी सी एक स्मूथ सी डो बना लेंगे ये देखिए जी मैं इसको पहले स्पैचुला से मिक्स करूँगी ये थोड़ा सा वार्म है ये इतना वार्म है कि आपका हैंड इजीली ईजिली टच हो जाए लेकिन प्रॉपर मैंने इसको कोल्ड डाउन नहीं किया थोड़ा सा लिक्विड मिल्क ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ताकि हमारी नीडिंग जो है डो की अच्छे से हो सके मैंने वो थ्री स्पून जो हैं वो मैदे के ऐड कर दिए हैं अब इसके नीडिंग करने के बाद बॉल्स बना लेंगे पहले आप हार्ड तरीके से बनाइएगा फिर उसके बाद सॉफ्टली इसको सरफेस पे रख के राउंड दीजिएगा इससे बड़ा फ्लैट और बड़ा जो है वो क्लियर आपके बॉल्स बन जाएंगे सारे बॉल्स बना लिए हमने उनको मैंने कवर कर लिया था ताकि ये ड्राई ना हो साथ साथ हमने यहाँ पे ऑयल भी गर्म कर लिया है फ़्रेश ऑयल लीजिएगा आप क्योंकि ऐसे फिर गुलाब जामुन में स्पाइस का टेस्ट आएगा इसलिए बेहतर है फ्रेश ऑयल लें और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें और सारी बॉल्स ऐसे डाल के उसको फ़्राई कर लें ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ रहा है और बॉल्स का साइज़ भी थोड़ा सा डबल हो गया है हमने बॉल्स बिल्कुल मीडियम साइज़ की बनाई थी ताकि जो है वो शीरे में डिप होने के बाद और फ्राई होने के बाद जो है इनका साइज़ नॉर्मल ही रहे बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी ये देखिए जी हम साथ, साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि इनके पर अच्छा सा कलर आ जाए ये जी हम इसको निकालते ही फ़ौरन शुगर सिरप में डाल देंगे शुगर सिरप बन चुका था उसको हमने साइड पे रख दिया था वो भी गर्म ही था तो उसके अंदर हमने डाल दिया इसके नीचे स्टोव बंद है बिल्कुल आपका जो सिरप है वो ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए बस वार्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर डिप हो सके अंदर अब हमने सारे गुलाब जामुन की बॉल्स इसके अंदर डिप कर देनी है और इनको टू आवर्स के लिए रख देना है टू आवर्स के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे ये टू आवर्स हो चुके हैं इसको अब हम डिश आउट करेंगे हमारे परफेक्ट गुलाब जामुन अलहमदल बन चुके हैं और ये देखें जी मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ बाउल में एक डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर सिरप बाकी का ऐड कर देंगे लुक देस वेरी टेस्टी और आपको पता है कि ऐसे डिशेस बना के आपको घर में ट्राई करने के बाद एक बहुत ही साफ सुथरा मेल मिल जाता है बजाय आप बेकरियों में मिठाई वगैरह को लें तो बहुत ही अच्छी सी और परफेक्ट सी बन जाती हैं ये आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा होप यू लाइक माई रेसिपी गिव मी द फीडबैक ऑफ दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल and thanks for watching my video remembers me in your prayer aap se mulakat hogi inshallah next recipe mein inshallah allah hafiz